तो रिनॉल्ट की किया गाड़ी को तो आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इसका नया मॉडल, उसको तो आप जानते होंगे, बहुत सी न्यूज़ आई थी। और रिसेंटली मेरे को ये गाड़ी देखने का मौका मिला और बैठने का मौका मिला, तो इसमें मैं कुछ ऐसी पॉइंट बताऊंगा रिनॉल्ट के बारे में कि क्यों आप लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, क्यों ये अनकम्फर्टेबल है और इसमें क्या क्या चीज़ लैक कर रही हैं एज कस्टमर या एज रिव्यूअर बैठूँगा मैं, जो रिव्यू देने वाला है उसके साथ बैठूँगा कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छा है। इस वीडियो में से इसमें क्या क्या कमी है वो बताऊँगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को पसंद आई हैं और आप लोगों को लेनी चाहिए, समझ रहे हो। एक मैं इसकी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों लेनी चाहिए, दोनों रीज़न बता दूंगा, फिर उस आप सब डिसाइड कर सकते हो कि रिनॉल्ट की गाड़ी लें या नहीं लें, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो रिनॉल्ट क्विड की तरह है, मतलब इसका लुक है थोड़ा थोड़ा क्विड की तरह दिखता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसका जो लुक है मतलब आउटर डिज़ाइन काफ़ी बुरा है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, मगर जो इसका जो रिजेम्बलेंस है थोड़ा क्विड की तरह लगता है, क्योंकि लोग हमेशा ये देखते हैं थोड़ा अच्छी गाड़ी मिल जाए अगली बार, थोड़े से पुराने से नई डिज़ाइन थोड़ा अलग हो, मगर इसका जो रिजेम्बलेंस है मतलब जो लुक है थोड़ा एंटी लेवल जो हैचबैक है रिनॉल्ट क्विड इसकी तरह थोड़ा लगता है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। इनफैक्ट हम रिनॉल्ट क्विड को स्केल्ड अप वर्जन कह सकते हैं रिनॉल्ट क्विड का, बहुत से पोटेंशियल बायर जो है उन्होंने इसे काफी अप्रिशिएट नहीं किया है, उनको पसंद नहीं आई कि हाँ भाई क्विड की तरह निकाल दिया है और क्विड का थोड़ा स्केल अप वर्जन कर दिया है। ऐसा बात नहीं है कि इसकी सेल नहीं, सेल भी काफी अच्छी होती है, मगर यह है कि कुछ कुछ लोग इसको लुक के कारण डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं कि हाँ लुक इसका क्विड की तरह है, छोड़ो इतने पैसे में नई गाड़ी ले लेते, दूसरी गाड़ी कंपनी गाड़ी ले लेते। तो मेरा दूसरा पॉइंट है रिनॉल्ट क्विड में डीजल इंजन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, और वो भी आज के समय में जो भी BS6 नॉर्म चल रहे हैं उसके अंडर में भी डीजल इंजन आपको अवेलेबल नहीं कराता रिनॉल्ट की कंपनी। इंडिया में कुछ काम मेकर की तरह ही रिनॉल्ट ने भी डिसाइड किया है कि वो डीजल इंजन ऑप्शन मार्केट में नहीं निकालेगा, वो भी BS6 एरा में, मगर डीजल इंजन का जो पावर जनरेट करता है वो कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है कि हमें पावर चाहिए एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार, और वैसे भी जैसे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं डीजल के प्राइस तो उससे वैसे भी कम ही है ये तरह मान के चल सकते हैं, तो लोग इसलिए डीजल कार ज़्यादा प्रेफर भी करना पसंद करते हैं, पावर मिल जाती है एक्स्ट्रा, और वही चीज़ रिनॉल्ट क्विड के अंदर मिसिंग है, मतलब ब्लैक है इसके अंदर काफ़ी, नहीं देता भाई, नहीं दे रहा वो कुछ कर लो, नहीं दे रहा वो। तो मेरे अगला पॉइंट है कि इसका जो इंटीरियर है इतना अच्छा नहीं है कि इतना हाई क्वालिटी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है कि इतने पैसे देने के बाद भी आपको अच्छा इंटीरियर मिल रहा हो। रिनॉल्ट क्विड जो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने अपनी तरफ से की है उसको हम सीधा सीधा देख सकते हैं उस कार के इंटीरियर के अंदर, क्योंकि जब आप कार के अंदर एंटर करते हो उसके अंदर काफ़ी आपको हार्ड सरफेस देखने को मिलता है, काफ़ी प्लास्टिक देखने को मिलता है थ्रू आउट द कैबिन, जो कि हमें काफ़ी सस्ता फील कराता है, वो भी SUV के सेगमेंट के अंदर। रिनॉल्ट क्विड का जो HPH लेवल है वो भी काफ़ी पुअर है, और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और देखी थी, जब रिनॉल्ट क्विड हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन का जो वाइब्रेशन है वो हम इसके स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा फील कर सकते हैं, जैसे बुलेट का आता है वाइब्रेशन वैसे ही क्विड में वाइब्रेशन आती है, बताओ बाइक में तो आती थी अब गाड़ी में भी आ रही है। तो मेरे रीज़न का अगला पॉइंट है कि इसके अंदर 5 बंदे आराम से नहीं बैठ सकते क्योंकि इसमें स्पेस इतना नहीं है, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं बैठ रहा रिनॉल्ट क्विड के अंदर अगर 4 लोग बैठे आराम से तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब पाँव फैलाने के लिए काफ़ी स्पेस है, हेडरूम काफ़ी है, सब कुछ अच्छा है, मगर जैसे इसके अंदर हम लोग बढ़ाते हैं तो पीछे की सीट का जो पैसेंजर है उसके लिए शोल्डर रूम कम हो जाता है, और इसके साथ साथ ही जो मिडल का पैसेंजर है उसको हेडरेस्ट पूरा नहीं मिलता, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मगर हाँ इतने पैसे वहाँ क्या चाहिए आपको, SUV मिल रही है, हैचबैक मिल रही है, एंटीलॉक हैचबैक मिल रही है, मत जाने लाइक। तो मेरी इस वीडियो की रीजन का आखिरी पॉइंट है इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, आपके पास सनरूफ का फीचर नहीं है, कार कनेक्टिविटी टेक भी नहीं है कोई भी। रिनॉल्ट क्विड हमें काफ़ी प्रीमियम फीचर ऑफर करता है, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है, और दूसरा 7 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तीसरा इसके अंदर मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, ये 3-4 फीचर ही आपको अच्छे मिलते हैं जो मेन अच्छे फीचर हैं, बाकी छोटे मोटे फीचर तो मिलते ही मगर मेन फीचर जो है अच्छे मिलते हैं, मगर सनरूफ और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता भैया। क्रूज कंट्रोल जो यूज़ करते हैं उनको पता है क्रूज कंट्रोल कितना मज़ा आता है चलाने में, जैसे कि आप लोगों को मुझे ही पता है कि आप जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब कनेक्टेड आ रही हैं इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट उसके अंदर से एक्सेस हो सकता है, मगर आज की डेट में भी क्विड ने ऐसा कुछ दिया नहीं है भैया, क्या हुआ क्विड का, मगर फिर भी। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए रिनॉल्ट क्विड लेने से पहले, क्योंकि ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं अपने आजकल की डेली लाइफ में, इंटरनेट तो चाहिए और सनरूफ भी चाहिए, हाँ चाहिए ही, सनरूफ भी चाहिए। और अगर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग डीजल इंजन की तरफ जाते हैं, वो भी इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो भैया उस हिसाब से आप देख सकते हो कि मैंने ये रीज़न बता दिए हैं, अगर आप सोच रहे थे लेने के लिए तो ये रीज़न आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या नहीं मिल रहा आपको। अब इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसके अंदर बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, कि अगर आपके बजट ही इतना है और आपको डिसाइड ही कर लिया कि क्विड लेना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, मैं वो भी बता दूंगा अगली वीडियो में।
तो इस वीडियो लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।